हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हरतालिका व्रत है और आप सबको भी हरतालिका की बहुत बहुत शुभकामना। और हम सब आज व्रत हैं, हम सबका है, मेरा है, आपका सभी का होगा। और तो स्टार्ट हो गया है व्रत, हम लोग नहा लिए हैं और बस मंदिर नहीं गए थे, घर में ही पूजा वूजा कर लिए थे। और मंदिर कहाँ जाएंगे इस समय, तो पूजा वूजा हो गई है एक बार और अभी शाम को होगी, तो शाम को दिखाएंगे कि कैसे करते हैं हम सब पूजा इसमें। तो चलो, हम अभी खाना बन रहा है और बच्चे देख रहे हैं टीवी। तो ये देखो, ये इधर लेटा है। हाय बोलो, हाय बोलो। तो देखो, इस समय धूप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत धूप है, इसमें धूप दिख रहा है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अंजलि बना रही है खाना और मैं अभी बच्चों को नहलाऊंगी और उसका तैयारी करूंगी। देखो, अंजलि बना रही है खाना। ये सब लगे हैं लैपटॉप में पढ़ाई। ये देखो, लगे मुकुल लैपटॉप चला रहे हैं। और तो मैं सुबह सुबह नहा ली थी और हो गए तैयार और होकर बैठी हूँ अभी पूजा उजा की। और तो बस अभी बच्चों को दूध दूध पिलाया है, अब इनके नहाने का टाइम हो गया तो इसको, इन लोगों को नहलाऊंगी। अभी उसकी भी क्लास ख़त्म हुई है, बड़े वाले की, आनंद की। तो अभी वो क्लास अटेंड किया था, अब जाके नहलाऊंगी। तो अभी आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। देखो कलर अच्छा है ना मेरे मेहंदी का, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम। तो आज व्रत है तो थोड़ा सिर दुख रहा है, पानी वानी कुछ नहीं पीते हम लोग। और ये इन बच्चों के लिए दूध, इन्हें दूध और उसी के साथ में टोस्ट खा रहे हैं। तो अभी इनका दूध हमारा टाइम है, अब हम नहाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर इसके बाद में पूजा वूजा की तैयारी होगी, पूजा करेंगे। जाओ ले लो, तो आप सबको दिखाएंगे पूजा कैसे करते हैं हम, और आप सब कैसे करते हो आप सब भी बताना। ऐसे मैं तो नॉर्मल सी घर में करूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं तो पिछले साल तो वहाँ फुलहरा रखते हैं हमारे यहाँ, ऐसे तो अच्छे से होती थी, इस साल ऐसे ही हो जाएगी। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज व्रत है तो ज़्यादा आवाज़ निकलती नहीं है। तो मैंने इसका लेना थोड़ा सा वाह तो खा रहा है, वो दिखा रहा है। तो चलो थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं, अब पूजा करते समय अब पूजा करेंगे। हमारे यहाँ पानी भी नहीं गिरा है और धूप भी बहुत हो रही थी, तो प्यास तो नहीं लगी है, पर ऐसे थोड़ी सी आलस टाइप से हो रहा है, आ रहा है। चलो बाय, बाद में मिलते हैं। देखो गाइस, अब मैं तैयार हो गई हूँ उसके लिए, पूजा करने के लिए। मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा भी वीडियो बना लेती हूँ, फिर पूजा भी दिखाऊंगी। तो और
अभी मैंने फिर तैयार हुई हूँ, तो इसका मेकअप लुक तो नहीं रिकॉर्ड की, नहीं शेयर करूँगी, हो गया ऐसी है। तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो पूजा की तैयारी हो गई है और आप सबको अभी दिखाते हैं कि थोड़ा बहुत नॉर्मल सी पूजा करेंगे घर पर ही, कहीं नहीं गए हैं। तो चलो हम कर लेते हैं पूजा और आप सब देखिए और आप लोग भी करिए पूजा फिर। तो वैसे तो हम लोग करते थे पिछले साल अच्छे से, लेकिन इस साल ऐसे ही नॉर्मल सी अपने घर में जैसे रोज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। बस थोड़ी सी जो सामान वामान है चढ़ाने का तो वही चढ़ा देंगे, जैसे हम लोग ये सब चूड़ी उड़ी चढ़ाते हैं तो चढ़ा देंगे, चूड़ी बिंदी नेल पेंट ये सब चढ़ाते हैं तो चढ़ा देते हैं भगवान को। तो वही सब यही बस एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी सब वही नॉर्मल सी पूजा रहेगी। तो अभी हम निकाल लेते हैं कि क्या चढ़ाना है। तो चलो अभी हम आपसे मिलते हैं पूजा में। देखिए इसमें दिख रहा है, चल मिलते हैं पूजा में आपसे। तो दोस्तों ये सब सामग्री रखी हुई है इसमें चढ़ाने के लिए भगवान को, और पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। अब नहलाएंगे, पहले जल से नहला दिए हैं, इसके बाद में दूध से, फिर दही, और फिर घी से नहलाएंगे, और फिर घी से नहलाने के बाद फिर एक बार साफ पानी से नहला देंगे। तो नहला देंगे साफ पानी से, फिर उनको रख देंगे भगवान को उनके प्लेट में जिसमें बैठे रहते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर रख देंगे भगवान को, हो गया। अकेले रहने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूजा करने में, तो जल्दी हो जाता है। तो अब हो गया, चंदन लगाएंगे हम उनके भगवान के, ये प्योर चंदन है जो शंकर जी को लगता है। तो ये चंदन लगा दिए, हो गया। अब ये सब चढ़ा देंगे भगवान को, अर्पित कर देंगे, वहाँ पर सब रख देंगे। चढ़ा देते हैं सब कुछ सामान, और ज़्यादा पूरा पूजा क्लिप इसमें ऐड नहीं किया था मैंने, थोड़ा सा ही किया था। तो चलो गाइस, तो अब हो गई है पूजा मेरी, पूजा उजा कर लिए हैं, अब हो गया। अब जगेंगे हम लोग 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 1 बजे तक जगेंगे, इसके बाद में फिर देखते हैं कि सोते हैं कि नहीं, सारी रात जगते हैं, सारी रात नहीं जगेंगे, बस 12-1 बजे तक जगेंगे। 12-1 बजे तक जगना चाहिए, वहाँ पे दीपक चलना चाहिए 12-1 बजे तक। तो 12-1 बजे तक दीपक चलेगा, फिर उसके बाद में फिर सोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको सुलाना पड़ेगा, उनको तो ज़रूरी है सोना, तो उनको सुलाएंगे। वैसे तो नहीं हो, नहीं अगर वो सो जाते तो जग भी जाते। तो चलो ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, उससे मेरी वीडियो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप मेरी वीडियो देख पाओगे। तो बाय, गुड नाइट।